Okay, so let's start with physics part C. Part C is about resistance and resistivity. ठीक है, शुरू करते हैं. और सबसे पहला जो मेंबर है जो मुझे हेल्प करेगा, दैट इज, हु इज दिस, पी पी फॉर प्रियांश. यस प्रियांश, नेम द लॉ विच रिलेट्स द करंट इन अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिलेट करने वाला लॉ है ओम्स लॉ. यू आर राइट. साइंटिस्ट का नाम बताओ. नहीं, जर्मन है. जर्मन या ऑस्ट्रियन. जॉर्ज साइमन. जॉर्ज साइमन ओम. ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने ये लॉ दिया था जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिलेट करता है. ठीक है, और मेरे को प्रियांश इसका फॉर्मूला बताना, ओम्स लॉ का. वेरी गुड. या तो वी इज वी रेजिस्टिविटी करेक्ट. सो वी इज इक्वल टू आई आर, और वी बाय आई इज इक्वल टू आर, या फिर आई इज इक्वल टू वी बाय आर. ये तीनों फॉर्मेट में हम इसको याद रख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर बींग द सिंपलेस्ट वन. ठीक है, सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी फॉर एनी गिवन पीस ऑफ कंडक्टर विच इज नोन एज रेजिस्टेंस. प्रियांश, कैन यू टेल मी ये जो रेजिस्टेंस है इसका एसआई यूनिट क्या है? वेरी गुड. एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस का ओम, और जिसका सिंबल है ओमेगा. ओमेगा इज अ ग्रीक लेटर. ठीक है, ओम उसका पूरा नाम है और ओमेगा उसका सिंबल है, एसआई यूनिट का सिंबल. रेजिस्टेंस का सिंबल है आर. ठीक है, अच्छा प्रियांश, लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस? वेरी गुड. इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस जिसका होता है, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर. इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी करंट को अपने थ्रू फ्लो नहीं करने देता है. इट डज नॉट अलाउ एनी करंट टू फ्लो थ्रू इट. ठीक है, सो दैट इज योर इंसुलेटर. ओके, द नेक्स्ट पर्सन टू. ओके, सो हमने देखा नहीं है अभी तक वीडियो, तो विल गो टू कनिष्का. कनिष्का, कैन यू प्लीज हियर मी? या कनिष्का, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, विच हैज लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अ थिन वायर और अ थिक वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम मटीरियल? किसका रेजिस्टेंस कम होता है? वेरी गुड, यू आर राइट. थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होता है. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कनिष्का, ऐसा क्यों होता है? ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, एंड दिस इज वन कंडक्टर विच इज थिक, एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर कंडक्टर ओवर हियर विच इज थिन. नाउ कैन यू प्लीज कंपेयर देम? थिक वायर, थिन वायर, रेजिस्टेंस लेस, रेजिस्टेंस मोर, ऐसा क्यों होता है कनिष्का? रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिक्रीज विथ लार्ज एरिया ऑफ
Why? Can you tell me why? Just a moment. Let me see who is next. कनिष्का के बाद आता है आती है मृण्मयी. मृण्मयी, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई? सर, बिकॉज़ अ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. व्हाई? तो मैं ऐसे. यस प्रियांश. सर, एज द थिकनेस, एज द थिकनेस ऑफ, ओके, एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, वी कैन से द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. बट व्हाई? सर, मैं ऐसे. यस प्रियांश. तो थिक वायर में अगर ज्यादा न्यूक्लियस है और ज्यादा प्रोटॉन्स है और ज्यादा न्यूट्रॉन्स है तो थिक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए. हाँ, ये तुम्हें बोलना है. इट हैज मोर स्पेस. सो थिक वायर एंड थिन वायर, ओके, अगर हम कंपेयर करेंगे तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ थिक वायर इज लार्जर. दैट मीन्स देर आर मोर स्पेसेस फॉर अ गिवन लेंथ. फॉर अ गिवन लेंथ, सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्टन लेंथ ले लिया, ठीक है, ये लेंथ के लिए मैं नोटिस कर रहा हूँ. अब ये लेंथ के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है जिनको मूव करना है, उसको ज्यादा स्पेस किस में मिल रही है? ज्यादा स्पेस अराउंड द सरफेस किधर किस में मिल रही है? थिक वायर में, क्योंकि थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से द स्पेसेस विच इलेक्ट्रॉन गेट टू मूव अलोंग द वायर आर मोर. इन थिन वायर द स्पेसेस आर लेस, सो देर आर मोर कोलिजन. थिन वायर में कोलिजन ज्यादा होते हैं. मोर collisions, more collisions between whom? More collisions between whom? Electrons and protons. ठीक है, thin wire में more collisions होते हैं, thick wire में less collisions. Thick wire में collisions कम होते हैं. क्यों? क्योंकि thick wire में ज्यादा space होती है. तो यहां पे हम लिख सकते हैं more space. और थिन वायर में लेस स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो. ठीक है, अगर लेस स्पेस है तो कोलिजन ज्यादा होंगे. कोलिजन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो नहीं कर पाएंगे. इलेक्ट्रॉन फ्रीली जब फ्लो नहीं कर पाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. थिक वायर में स्पेस ज्यादा होगी. स्पेस ज्यादा होने से कोलिजन्स कम होंगे. कोलिजन्स कम होने से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है. ये इसके पीछे का रीजन है. कनिष्का, डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसे एक्सप्लेन करना है. ठीक है मृण्मयी, ओके, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू मृण्मयी. आर यू रेडी? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस हमने कांस्टेंट रख के रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया तो करंट पे क्या इफेक्ट आएगा? व्हाट बाय हाउ मच विल द करंट चेंज इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट? सर, इट विल बी डबल बिकॉज़ V इज इक्वल टू IR. करेक्ट. देखो V इज, यस यस, या यू कैन और यू कैन से दैट वी इज इक्वल टू आई आर. अगर वी कॉन्स्टेंट है, इफ वी इज कॉन्स्टेंट, अगर मैं आर को हाफ कर देता हूं, हाफ, ठीक है, तो आई को, तो आर आई को मुझे डबल करना पड़ेगा. इट्स अ सिंपल लॉजिक. अगर मैं एक क्वांटिटी को हाफ कर रहा हूं तो दूसरे को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर एक क्वांटिटी को मैं टू से डिवाइड कर रहा हूं तो दूसरे क्वांटिटी को मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब द करंट विल शुड बिकम
डबल, करंट शुड बिकम डबल. व्हेन द करंट बिकम्स डबल द रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ, स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ठीक है मृण्मयी? यस, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, एंड दिस इज न्यूमेरिकल, सो वेरी इंटरेस्टिंग. सिद्धि, सिद्धि मलिक, सिद्धि मलिक, आर यू रेडी? यस सर. ओके ग्रेट. सो माय क्वेश्चन इज, जस्ट अ मोमेंट, माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. पोटेंशियल डिफरेंस A potential difference of 20 volts is applied across the ends of a resistance of 5 ohms. A potential difference of 20 volts is applied. तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Potential difference है 20 volts. Is applied across the ends of a resistance of 5 ohm. R 5 ohm है. ठीक है? What current will flow in the resistance? कैसे करेंगे इसको? Can you please guide me step by step? Yes. V is equal to I into R. Okay. So 20 upon pi. 20 is equal to I into 5. So 20 upon 5 is equal to I. Is equal to I. So I is, I is equal to 4. 4 what? Unit kya hai I ka? Current ka? सिद्धि, करंट का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट है एम्पियर. ओके, करंट इज 4 एम्पियर. दिस इज सो सिंपल. दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स आर सो इजी, राइट, दैट एनीवन कैन ट्राई देम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चारुल. चारुल, आर यू रेडी? चारुल, फास्ट, यू हैव टू टेल मी द आंसर. ठीक है, जस्ट मोमेंट चारुल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स. रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम्स. हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग इन इट. व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर बिटवीन इट्स एंड्स? वी कितना होगा? Yeah, V is equal to I R. Can we write like this? V is equal to I R. Yes, sir. Sure. So V is equal to I कितना है? 2. और R कितना है? 20. So V कितना हो जाएगा? 40 volt. Very good. Easy था ये? Yes. Very good. Next, who will be next? Shikha. Shikha, can you hear me? Shikha, agent ko bhejna padega mujhe. Wapis. Yes, sir. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. A current of 5 amperes flows through a wire. I is equal to 5 ampere. Current 5 ampere ka hai. Ek wire se flow ho raha hai. Whose ends are at a potential difference of 3 volts. मतलब V है 3 volts. Calculate the resistance of the wire. Yes, Shikha. Tell me, which formula will I use? Shikha? Yes, one second. Formula मैं बताता हूँ तेरे को, रुक जा. V is equal to IR. ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर. इसमें हमें R ढूंढना है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I. अब बता क्या करना है. V को 3 लिखना है और I को 5 लिखना है. ठीक है, सो R हो जाएगा 0.6 ओम. 0.6 ओम. शिखा, समझ में आया? ओके शिखा, मुझे लगता है तूने वीडियो देखे नहीं है अभी भी, है ना? लास्ट वाला नहीं देखा.
अच्छा पहले दो देखे थे तूने? अच्छा सेकंड का हाफ तक देखा। ठीक है, मतलब अभी तुम्हें बहुत ही ज़बरदस्त होमवर्क मिलने वाला है। जो लोग वीडियो नहीं देखते उनके लिए पनिशमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ज़रूरी है, यस मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, करना ही चाहिए। चलो अभी नेक्स्ट, अदिति, अदिति आर यू देयर? अदिति कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बताओ मेरे को। कीप योर कैम ऑन प्लीज, एवरीवन कीप योर कैम्स ऑन। इसका मीनिंग समझाओ भी मेरे को, एक्सप्लेन द मीनिंग। ओके इसका क्या मतलब है? यस प्लीज, इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन मी। हैव यू सीन माई लेक्चर अदिति? देन इज योर कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट ओम्स लॉ? सिंपल क्वेश्चन है, ओम्स लॉ को तुम्हें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तुम टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, तुम्हें मेरे को एक्सप्लेन करना है। मैं करूँ एक्सप्लेन, फिर तुम मुझे एक्सप्लेन करो वापस, ठीक है? ओके, बट यू हैव टू लर्न दिस, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डबल प्रोसेस हो जाएगा ये। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, किसी भी सर्किट में जो करंट होता है वो वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, छोटी बैटरी लगाओगे तो कम करंट फ्लो करेगा क्योंकि उसका वोल्टेज कम है, बड़ी बैटरी लगाओगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा क्योंकि उसका वोल्टेज ज़्यादा है। मतलब वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, वोल्टेज कम तो करंट कम। इसका मतलब है वोल्टेज इज डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, एंड दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनके बीच का जो डायरेक्ट वेरिएशन है ना, ठीक है, वो जो डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ये रेशियो को, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये तभी पॉसिबल है जब फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, स्टेट, फिजिकल स्टेट, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो ही ओम्स लॉ वैलिड है, नहीं तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, सो दैट इज ओम्स लॉ। अच्छा, इसको रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं? तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सो वी अपॉन आई इज कॉन्स्टेंट विच इज द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम।
Aditi, can you tell me the definition of 1 ohm? 1 ohm. रिमेंबर वी इज इक्वल टू आई आर और उससे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. नाउ वी 1 वोल्ट होता है और आई 1 एम्पियर होता है और हमने अभी देखा था कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, 1 ओम. ठीक है, तो कैन यू डिफाइन 1 ओम? यस प्लीज. एक मिनट, रेजिस्टेंस ऑफ, एक मिनट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज 1 ओम, इज 1 ओम व्हेन 1 एम्पियर ऑफ द करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, फ्लोज थ्रू द कंडक्टर एंड व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, अप्लाइड अक्रॉस इट, अप्लाइड, अप्लाइड अक्रॉस इट इज 1 वोल्ट. ठीक है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होता है. कब? जब 1 एम्पियर का करंट उसके थ्रू फ्लो करेगा, जब उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तब. मतलब किसी भी कंडक्टर में 1 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे और उसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो हम बोल सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फ्रेम द डेफिनेशन फ्रॉम द फॉर्मूला. ठीक है, लर्निंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो. अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा तो लर्निंग अपने आप होगा. अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है तो लर्निंग पूरा जाएगा, क्योंकि ये तो तुरंत भूल जाओगे तुम अगर समझ में नहीं आया तो. तो ये जो लोग नोट्स बना रहे हैं ना, उनसे, उनकी नोट्स से थोड़ा सा देखो. मैं और भी आज शेयर करूँगा, मृण्मयी है, सिद्धि है, चारुल है, ये सब लोग जो नोट्स बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, मेरा लेक्चर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसको नोट करते हैं, फिर उसको रीड करते हैं, फिर उनको क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है या फिर समझ में आ जाता है या सब, या तो दे सकते हैं वो लोग. बट अगर ये प्रोसेस ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा कि तुम सिर्फ लाइव लेक्चर पे डिपेंडेंट हो और लाइव लेक्चर तुम्हें पता है कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर आवर बेस थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर, फिर लाइव में उसको हम लोग और एम्फेसाइज करेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड अदिति ये प्रोसेस को? प्लीज़ फॉलो इट प्रॉपरली, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल जब टेस्ट लूँगा मैं. चलो नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू गो टू प्रियांश. चलो थोड़ा अलग क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये सब तो हो गया. हाँ, ये भाई ग्राफ के बारे में कुछ बता सकते हो आप? ये क्या ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है ये? अच्छा, ये जो वी आई ग्राफ है किसी भी कंडक्टर के लिए, अगर फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो वी आई ग्राफ का शेप कैसा होता है? वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांश, आई एम रियली हैप्पी दैट यू टेक दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आउट ऑफ द लेक्चर. इसका मतलब है कि वी आई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है पता है, तुमने 9th में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है उनका, उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है. स्लोप तुम्हें याद है, स्लोप हमने पढ़ा है 9th में. ठीक है, स्लोप हमने पढ़ा है मोशन चैप्टर में. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है. तो यहां पे वोल्टेज और करंट का स्लोप क्या होता है प्रियांश? वेरी गुड, वोल्टेज और करंट के ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस होता है. लेकिन ये तभी हम निकाल सकते हैं और या फिर ये रेजिस्टेंस तभी कांस्टेंट होता है जब ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो. ये लाइन स्ट्रेट लाइन तभी होती है जब फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, वो कांस्टेंट रहे, तब वोल्टेज भी बढ़ेगा और साथ साथ में करंट भी उतना ही प्रोपोर्शनली बढ़ता जाएगा.
ठीक है? तो अगर मुझे इस ग्राफ को यूज करके रेजिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है, तो कैन यू हेल्प मी विद दैट? यहाँ पे लोग ने पूछा भी है, व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ रेशियो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट? सब लोग ध्यान से ये सुनना और देखना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, नहीं आएगा तो. व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ वी बाय आई व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट? अब 0.8 तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, तो 0.5 और 0.1 इसके बीच में कहीं 0.75 होगा और उसके ऊपर 0.8 होगा. तो यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं अप्रॉक्सीमेटली 0.3 पे ये आता है, ठीक है. इसका मतलब है रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी बाय आई, वी कितना है 0.8 और करंट कितना है 0.3, इसका मतलब है 8/3. 8/3 को पॉइंट में लाएंगे तो कितना आएगा? सर 2.6 अप्रॉक्सीमेटली 2.6, 2.6 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है. अच्छा, अब 1.2 पे बताओ कितना है. तो 1.2 इज समवेयर ओवर हियर, जिससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग और हमें मिलेगा कुछ वैल्यू यहाँ पे, ठीक है. सो वन, आई डोंट नो मेरी लाइन कितनी स्ट्रेट है, तो करीब करीब 0.5 के आगे पीछे है, 0.5 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो रेजिस्टेंस अगेन हो जाएगा वी बाय आई, विच इज 1.2 अपॉन 0.5 या 0.55, ठीक है. दैट इज 12/5. 12/5 कितना होता है, 2.4 होता है. तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आई है बिकॉज हमारा प्लॉटिंग सीख ठीक नहीं है शायद. अच्छा, 1.6 अगर लेते हैं तो 1.6 कहाँ पे मिलता है? ये तो 1.5 का है, 1.6 मिलेगा शायद 0.7 पे, 0.7 पे शायद. तो 16/7 कितना होता है? सर 2.2 16/7 सर 2.285 ओके. मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो आ रही है, दैट इज अराउंड 2.2 और 2.6 के बीच में आ रही है ये वैल्यू, ठीक है. ये तो एक रफ ग्राफ है, इसके लिए वैल्यू सेम नहीं आ रही है, लेकिन अगर ये ग्राफ प्रॉपर होता या मेरे पास अभी स्केल होती, या तुम्हारे पास स्केल है और ये एस चांद के क्वेश्चन है, तुम लोग सॉल्व उसको मेजर करके कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके प्रॉपरली, तो तुम्हें सर पता. 0.6 पे आ रहा है 1.6 अच्छा, 0.6 पे आ रहा है क्या? मेरे को लगा यस वो सर ये है, तो मेरी लाइन फिर टेढ़ी है. तो 1.6 डिवाइड बाय 0.6, दैट इज 16/6, तो दैट ऑल्सो कम्स अबाउट 2.6 और समथिंग.2.6 ओके. तो ये वायर का रेजिस्टेंस अराउंड 2.6 ओम है, ये हम बोल सकते हैं. तो ये ग्राफ था, इसको बोलते हैं वी आई ग्राफ. नाम याद रखना, वी आई, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ. और ये ग्राफ हमेशा किसी भी कंडक्टर के लिए एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है. अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब या तो ये कंडक्टर नहीं है, या तो इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तभी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता. ओके, नेक्स्ट पर्सन टू आंसर. ये तो मैंने आंसर क्वेश्चन पूछा ही है पहले. कनिष्का, तुम्हारे 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 पास यही बार बार क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिकर? कंडक्टर को थिक करेंगे तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगी? रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. हाफ मत बोलना, डबल आएगा, डबल होगा अगर थिकनेस, तो ही रेजिस्टेंस हाफ होगा. अगर थिकनेस बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होगा. सो इफ द कंडक्टर इज मेड थिकर, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. ओके ओके. नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड?
रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? कनिष्का, रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? देर आर आई थिंक देर आर फोर और फाइव फैक्टर्स. यू रिमेंबर कनिष्का? डू यू रिमेंबर दिस? वाई? नेक्स्ट मृणमयी. रेजिस्टेंस किस पे, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फोर मेन फैक्टर्स. ओके. फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ. सेकंड इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. थर्ड इज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ इज द टेंपरेचर. मटेरियल एंड टेंपरेचर, करेक्ट. ठीक है. ओके. लेंथ से कैसे रेजिस्टेंस रिलेट करता है मृणमयी? हाउ डज रेजिस्टेंस रिलेट्स विद लेंथ? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. दैट मींस अगर हम लोग लेंथ इंक्रीज करेंगे लाइक तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. वेरी गुड. रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा. वेरी गुड. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस से तो हमने देख लिया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. व्हाट अबाउट मटेरियल? रेजिस्टेंस और मटेरियल का क्या लेना देना है मृणमयी? सर मटेरियल इन द सेंस द वैल्यू ऑफ रो. रेजिस्टिविटी. यस रेजिस्टिविटी. सो जिस कंडक्टर में हाई रेजिस्टिविटी है उस कंडक्टर में हाई रेजिस्टेंस होगा. ओके. Very good, very nice. Okay, next I'm going to go to Siddhi. Yes, sir. Siddhi, temperature से resistance का क्या relation है? How is resistance related with the temperature of material? Sir, when the temperature is high, the resistance will also become high. Very good, but why? Very nice, but why? Tell me reason. Remember, I'll tell you. When you increase the temperature or when the temperature of the conductor increases, the molecules of the conductor starts vibrating more rapidly within the conductor. And when they have more kinetic energy to vibrate more rapidly, the electrons which are crossing the conductor or flowing through it in the form of electric current will face difficulty in flowing. Unko difficult lagega flow karna. Unko difficult kyu lagega? Yes. Sorry. Can you explain it again? Yes, I will start again. Chalo. Temperature. तो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया अगर किसी भी कंडक्टर का, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंडक्टर दे एब्जॉर्ब एनर्जी. व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. व्हेन देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगरसली, मोर रैपिडली. व्हेन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगरसली द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्लोइंग थ्रू इट, विल फेस डिफिकल्टी इन फ्लोइंग. That means the resistance will increase. तो temperature बढ़ने से vibrations of molecules बढ़ता है because of their high kinetic energy, उससे resistance बढ़ता है. तो basically. So your voice is cracking. Oh. Yes, sir. Okay, my network I don't know, but it is. It seems okay to me. क्या सब कुछ सुनाई दे रहा है अभी clearly? तो आई विल से अगेन टेम्परेचर वाला, ठीक है, लिसन टू मी क्लियरली. जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो वायर का,
तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से वायर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एब्जॉर्ब करने से जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो ज़्यादा विगरसली वाइब्रेट करने लगते हैं। जब वो ज़्यादा विगरसली वाइब्रेट करने लगते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको इजी पाथ नहीं मिलता है, इजी एक्सेस नहीं मिलता है। सो इलेक्ट्रॉन्स दे फील मोर रेजिस्टेंस इन फ्लोइंग थ्रू अ हॉट कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ हाई टेम्परेचर। सो यू कैन से दैट जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी सबको सुनाई दिया? प्रियांश, चारुल, यस अदिति, मैं ये चौथी बार बोलूँगा, फोर्थ टाइम। इसके बाद मैं बोलूँगा कि आप वीडियो में देख लो, ठीक है? आज कोई साउंड का इश्यू भी नहीं है, ठीक है? दिस इज़ द लास्ट टाइम। अदिति कैन यू हियर मी? दिस इज़ द फोर्थ टाइम आई विल एक्सप्लेन। सो ये है तुम्हारा कंडक्टर और उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस है या जो न्यूक्लियाई है वो। अब जैसे ही मैं इस कंडक्टर को हीट करता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैंने हीट किया तो क्या हुआ? इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब ये जितने भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर एंड मोर विगरसली बिकॉज दे एब्जॉर्ब एनर्जी। तो उनमें एक वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव चार्जेस हैं, ऐसे हम बना सकते हैं नेगेटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्जेस ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे पॉजिटिव चार्जेस तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए इनफ रूम नहीं मिलेगा, इनफ जगह नहीं मिलेगी। सो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है? डिड यू अंडरस्टैंड अदिति? ओके ग्रेट। ओके नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क चारुल, कैन यू हियर मी चारुल? चारुल, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का यूज क्यों करते हैं इतना ज्यादा? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज नॉट रेजिस्टेंस बट रेजिस्टिविटी। यस प्रियांश, नहीं कम होगा ना सर, लेकिन वो तो हमने मतलब उसके जो एटम्स है वो तो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलेगी। नहीं देखो क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये सरफेस से फ्लो करते हैं, अंदर से नहीं, सब्सटेंस से नहीं, वॉल्यूम से नहीं फ्लो करते, सरफेस से फ्लो करते हैं। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर कम होता है और सारे एटम्स का जो टोटल नेट काइनेटिक एनर्जी है वो कम रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं वो सब्सटेंस के थ्रू, ठीक है, और सरफेस के थ्रू, तो उनका रेजिस्टेंस कम रहता है। तो कम टेम्परेचर पे कम होता है रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ता है,
तब उसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। या चारुल, व्हाई डू वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? यू सेड बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। वेरी गुड। एंड व्हाट इज नाइक्रोम, कैन यू टेल मी चारुल? सर, नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, हाँ, क्रोमियम, आयरन। दैट्स इट, दैट्स इट, निकल एंड क्रोमियम, नाइक्रोम। क्या बात कर रहे हो? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो मैम। नाइक्रोम में? यस सर। ओके ओके ग्रेट। ओके, निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैंगनीज। तो उसके अलॉय का यूज क्या है, नाइक्रोम का यूज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज कहां पे है? इज इट अ कंडक्टर? चारुल, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ बताओ ना। इट हैज हाई रेजिस्टिविटी और लो रेजिस्टिविटी? चारुल, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी और लो रेजिस्टिविटी? नो नो, यू आर रॉन्ग। तुमने नहीं पढ़ा ये ठीक से पार्ट। आई विल हैव टू गो टू शिखा। शिखा ने तो पढ़ा नहीं है। अदिति, डू यू नो एनीथिंग अबाउट नाइक्रोम? अदिति, तुम्हें नाइक्रोम के बारे में पता है? नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी हाई है या लो है? सॉरी, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम? यू डोंट नो? नहीं, वन सेकेंड वेट। अदिति, यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड। यस्टरडे वॉट वर यू डूइंग? I did not give any other homework, Aditi. Did you watch the lecture, Aditi? Yes, but you did. You are not prepared. You don't know anything about nichrome. It was just less than 1 hour of lecture. All the information was given in it. Nichrome के बारे में भी हमने बात किया था. How come you don't remember this? अभी बुक में ढूंढने से कुछ नहीं होगा ना। तुमने अगर अच्छे से नोट्स बनाए होते लेक्चर देख के, इट टेक्स हार्डली 1.5 आवर। इतना टास्क आप नहीं कर सकते हो। देन आई हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स, बिकॉज देन आई कैन नॉट गिव देम फॉल्स प्रोमिसेस कि इतना परसेंट आएगा, उतना परसेंट आएगा। कैसे आएगा तुम अगर काम नहीं करोगे तो? Who else can answer this about nichrome? Sir, may I? Yes, Siddhi. Sir, it has high resistivity. It has high resistivity. इसका use बताओ nichrome का। कहाँ पे use होता है ये nichrome? Yes, Siddhi. Where is it used?
नो ओके यस मृण्मयी एंड इलेक्ट्रिक आयन सबसे मेजर यूज है इसका इलेक्ट्रिक आयन फिर टोस्टर्स फिर इलेक्ट्रिक गीजर्स इलेक्ट्रिक हीटर्स जहाँ पे हमें हीट प्रोड्यूस करनी होती है वहाँ पे हम नाइक्रोम का यूज़ करते हैं नाइक्रोम का यूज़ क्यों करते हैं बिकॉज इट हैज़ हाई रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी होने से क्या होता है जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो करंट इजीली फ्लो नहीं कर सकता इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से या रेजिस्टिविटी की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ठीक है हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है इट कैन बी यूज्ड द हीट कैन बी यूज्ड ईदर टू हीट द वाटर इधर टू प्रेस द क्लोथ्स कपड़े इस्त्री करने के लिए या फिर फॉर इन टोस्टर ब्रेड को टोस्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत है ये सब हमें नाइक्रोम से मिलता है और नाइक्रोम में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ही वो है गिव टू रीजंस व्हाई नाइक्रोम अलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ठीक है नेक्स्ट प्रियांश कैन यू प्लीज डू दिस फिल इन द ब्लैंक्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेस एज द लेंथ एज द टेम्परेचर एंड एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी गुड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से टेम्परेचर से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अब प्रियांश मुझे बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजिस्टिविटी नो नो यू आई आई वॉन्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस ठीक है हम किसी भी सब्सटेंस का अगर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले ले तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ थिकनेस नहीं सिर्फ थिकनेस चलेगा बट थिकनेस से भी ज़्यादा साइंटिफिक और सही वर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सो यूज़ द वर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है अब देखो ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का ये मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं रो ठीक है ये जो सिंबल है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो सिंबल है उसको बोलते हैं लेंथ ये जो सिंबल है ये हमारा है रेजिस्टेंस ठीक है अब इसमें ए और एल को अगर वन मान लेते हैं ए को वन और एल को वन मतलब यूनिट यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ मतलब अगर लेंथ भी हाँ देन रो विल बी इक्वल टू आर क्योंकि ए भी वन हो जाएगा एल भी वन हो जाएगा तो रो और आर इक्वल हो जाएंगे मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल कब होता है किसी भी मटेरियल के लिए किसी भी मटेरियल के लिए अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ को यूनिट बना देंगे तो उसका रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेजिस्टिविटी अब मुझे बताओ ये जो रेजिस्टिविटी है उसका SI यूनिट क्या है नहीं ओम पर मीटर नहीं है ओम मीटर है ये ओम ये मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट और नीचे मीटर लेंथ का SI यूनिट मीटर मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कट और हमारा जो यूनिट बनेगा वो है ओम मीटर ये है रेजिस्टिविटी का यूनिट अच्छा मुझे कोई बता सकता है एक्सप्लेन कर सकता है ये कॉन्सेप्ट कि अगर मैं एक अच्छा कंडक्टर सेलेक्ट करना चाहता हूँ मेरे घर के वायरिंग के लिए तो मुझे रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए वायर का या वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेक करनी चाहिए कौन मुझे बताएगा ये प्लीज़
टेल मी। ओके वेट प्रियांश, किसी और को चांस देते हैं हम लोग। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। सो आई वॉन्ट टू सिलेक्ट अ गुड कंडक्टर फॉर वायरिंग ऑफ माई होम। मेरे घर के वायरिंग के लिए मुझे एक अच्छा कंडक्टर सिलेक्ट करना है। अब वो अच्छा कंडक्टर मैं क्या देख के सिलेक्ट करूँगा, वायर की रेजिस्टिविटी वायर के मटेरियल की या पूरे वायर का रेजिस्टेंस? वॉट विल डिसाइड दैट वेदर दिस इज अ गुड चॉइस फॉर मटीरियल ऑफ कंडक्टर फॉर माई होम? वेदर इट्स रेजिस्टिविटी विल डिसाइड और इट्स रेजिस्टेंस विल डिसाइड? हु इज द डिसाइडिंग फैक्टर बिहाइंड विच इज अ गुड कंडक्टर? ओके तो दो लोग हैं यहाँ पे, एक प्रियांश है एक मृन्मयी है, बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्या यहाँ पे? कनिष्का किधर है? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? डोंट टेल मी टू रिपीट इट, अभी मैंने दो बार बताया। क्या तुमने पूरा वीडियो देखा है? हाँ सर। तो तुम्हें ये रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा ठीक है, क्लियर बोला है, अच्छी बात है। चारुल ऑन योर कैम। चारुल प्लीज ऑन योर कैम। चारुल आई कैनॉट हियर यू, प्लीज ऑन योर कैम। आई कैनॉट सी यू, इट इज नाउ इट इज ऑन। चारुल कैन यू आंसर मी दैट क्वेश्चन विच आई जस्ट आस्ट? क्यों, वाई? I will answer, don't worry. I know you are struggling, but I support your struggle and I will answer, don't worry. But, Charul, when you make notes, I want you to be more serious next time. Don't just do it for the sake of doing it. It is not a homework. It is a responsibility. ठीक है? Notes बनाना एक responsibility होती है. Homework नहीं होता. ठीक है, उसको मैं प्रेज कर दूं तुमको कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रियल प्रेज तभी मिलता है जब तुम मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर देते हो, ठीक है, या फिर तुम्हारे डाउट क्लियर रखते हो तुम, जो ऑब्वियस चीज़ें हैं, जैसे नाइक्रोम का तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया चारुल, तुम्हें नाइक्रोम का पता नहीं था, सो यू कंप्लीटली मिस्ड आउट दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट एनी वेज, शिखा, Shikha, I will appreciate if you keep your cam on so that I know that you are paying attention. Otherwise, you might be sleeping right now. Who knows? Shikha. Yes, sir. Yes, sir. Neend se jaag gayi hu main. Nahin, sir. Toh, yaar, cam on rakhna, yaar. Yes, sir. Ye koi Bhagavat Mahakatha thodi chal rahi hai? Haan? Mahabharat ka paath chal raha hai kya ye? I was listening to you. You, if you have to listen, फिर तो तुम कुछ भी सुन लो चलेगा. ये तो लेक्चर थोड़ी दे रहा हूँ यार मैं, तो डिस्कशन चल रहा है. यू आर नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन. फिर क्या फायदा है ये पूरे एक्सरसाइज का यार? मैं अपना पढ़ा के निकल जाता हूँ ना. मैं कल से काम करता हूँ, मैं मेरा लेक्चर चला देता हूँ रिकॉर्डेड वाला, और मैं ऐसा बैठे रहता हूँ, बीच में अगर कोई डाउट पूछेगा यस सर, तभी मैं उसको पॉज करके आंसर देके फिर भी मैं भी अपनी ध्यान निद्रा में चला जाऊँगा. ऐसे थोड़ी चलेगा यार. दिस पैसिवनेस आई डोंट अप्रिशिएट दिस. कीप योर कैम ऑन एवरी वन, कीप योर कैम ऑन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस. ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा मैं? कैम को हमेशा ऑन ही रखो, ऑन ही रखना है. कुछ भी हो जाए कैम ऑन होना चाहिए, ताकि मैं तुमसे बात कर सकता हूं, तुम्हें देख सकता हूं. मैं क्यों कैम ऑन रखता हूं, पागल हूं क्या मैं? घर पे बैठ के कैम ऑन रख रहा हूं, पागल हूं क्या मैं?
कैम ऑन चाहिए मुझे, सबके कैम ऑन चाहिए। अपने आप वो कैम कभी कभी बंद हो जाते हैं फिर ऑन हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम बंद कर दोगे तो बंद ही रहेगा। सो कीप इट ऑन, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई रेजिस्टिविटी इज मोर प्रोफाउंड देन रेजिस्टेंस, एंड आई वांट वन पर्सन टू यू नो टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन विथ मी। हु विल टेक पार्ट? Mrinmayi, will you take part in the discussion with me? Aditi, you will take part? Aditi, you will take part? I am very happy if you take part. Yes, sir. Okay, Aditi ko chance dete, fir Mrinmayi tumko chance dunga, theek hai? Yes. Aditi, dekh main kya bol raha hu tere ko. Maine bola, kaun zyada important hai? Resistance of a material property ya fir resistivity? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन सुन लो। सपोज मेरे पास एक वायर है, मेरे पास एक वायर है कॉपर का, ठीक है, थिक वायर है कॉपर का, कॉपर का वायर है थिक, और दूसरा वायर है कॉपर का जो एकदम थिन वायर है। ये दोनों कॉपर के वायर है, ये कॉपर का है लेकिन ये थिन वायर है, ठीक है? अब मैं तुमसे पूछता हूं, कॉमन सेंस अप्लाई करना, कॉमन सेंस। अदिति, इनमें से अच्छा कंडक्टर कौन है? विच इज अ गुड कंडक्टर? विच इज गुड कंडक्टर आई एम सेइंग? आंट दे बोथ गुड कंडक्टर्स, क्योंकि दोनों कॉपर है। हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, फिर आयरन इज नॉट सो गुड, इट इज मीडियम कंडक्टर, रबर इज बैड कंडक्टर, ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम लोग? तो ये तो दोनों कॉपर है, तो तुम कैसे बोल रहे हो थिक वायर? तो दोनों अच्छे कंडक्टर है, दे बोथ आर गुड कंडक्टर्स। हाँ, अभी मैं तुमसे पूछता हूं कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? अदिति, किसका रेजिस्टेंस? नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल रही हो, उल्टा बोल रही हो तुम, उल्टा बोल रही हो। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? थिन वाले का, और थिक वाले का रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है? तो गुड कंडक्टर तो दोनों है लेकिन थिक वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो दिस थिकनेस और लेंथ, सपोज चलो मैं एक ले लेता हूं, एक शॉर्ट वायर और एक लॉन्ग वायर, ये दोनों कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है। अब मुझे बताओ अदिति, ये दोनों में से गुड कंडक्टर कौन है? अरे दोनों गुड कंडक्टर है, दोनों कॉपर का है। लेकिन अब मैं तो अगर तुमसे पूछता हूँ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस कम है और लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है? तो ये जो थिकनेस और लेंथ, थिकनेस एंड लेंथ आर द, यू कैन से आर द रॉन्ग चॉइसेस टू मेक फॉर डिसाइडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। थिकनेस और लेंथ चॉइस गलत है, उसमें उससे तुम गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं, दोनों गुड कंडक्टर है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए। हाउ कैन वन बी बैड कंडक्टर एंड वन बी गुड कंडक्टर? सो दैट्स वाई वी नीड अ सेपरेट क्वांटिटी टू अंडरस्टैंड द गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब कोई ऐसा हमको यूनिट चाहिए या क्वांटिटी चाहिए जो डिस्पाइट वॉट एवर द थिकनेस माइट बी, कुछ भी थिकनेस हो, कुछ भी लेंथ हो, वो एक्चुअल में हमको बताना चाहिए कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो ऐसा एक क्वांटिटी साइंटिस्ट ने बनाया है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। समझो, रेजिस्टिविटी मटीरियल पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी चेंजेस फ्रॉम मटीरियल टू मटीरियल, उसका थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है उसका सिंबल है रो, मैंने तुम्हें यही बताया था, सिंबल है रो, और उसका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस टाइम्स एरिया अपॉन लेंथ। इसका जो फॉर्मूला है ना आर ए बाय एल, वही बहुत अच्छा फॉर्मूला, इतना ज़बरदस्त फॉर्मूला है ये आर ए बाय एल कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है।
अगर मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब न्यूमरेटर में दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी एक को बढ़ाओ तो दूसरी कम हो जाएगी, किसी दूसरे को बढ़ाओ तो पहली वाली कम हो जाएगी, मतलब क्या है दोनों, सॉरी हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी मैंने डायरेक्टली बोला क्या, आई एम सॉरी, न्यूमरेटर में जो दोनों क्वांटिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होती है, लेकिन ऐसी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, आर टाइम्स ए, ये न्यूमरेटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा अगर अब तुम देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास यहाँ पे लेंथ है, अगर मैं लेंथ को कम करता हूँ तो रेजिस्टेंस भी कम होता है, अगर मैं लेंथ को बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, मतलब ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस और लेंथ, एक को बढ़ाया तो दूसरा बढ़ा, एक को कम किया तो दूसरा कम हो गया, इसका मतलब है दोनों का जो फ्रैक्शन है वो सेम रहता है। इसका क्या मतलब है, एरिया और लेंथ का तो ये पूरे फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, एरिया और लेंथ को बढ़ाओ साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा या कम होगा और ये पूरा फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टिविटी ओम सॉरी रो, रो कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टिविटी। बेटा मैंने ना ये पूरा रिकॉर्ड किया है और बहुत लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है, बहुत लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, थम्स अप करो सुनाई दे रहा है, तो थम्स अप दिख रहा है अदिति, सबको क्लियर सुनाई दे रहा है, यू हैव इश्यूज विथ योर नेटवर्क, प्लीज नेटवर्क का स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, मेरा ऑलरेडी 25 Mbps है, सो मेरे साइड से अभी तो कोई इश्यू नहीं है और सबके कैमरे भी ऑन है, ठीक है। तो अभी समझ में आया क्या सबको, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल मतलब एरिया और लेंथ पे उसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए रेजिस्टिविटी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं टू चूज वेदर अ सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, ठीक है, डू यू गाइज फॉलो दिस, वाई रेजिस्टिविटी इज मोर फंडामेंटल, बिकॉज इट इज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन मटीरियल एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मटीरियल और टेम्परेचर, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट वॉज माई इनपुट टूवर्ड्स रेजिस्टिविटी, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, तो 15 का ए और 16 का बी, ये प्रॉब्लम था बहुत लोगों को, मृणमय तुमको भी था ना ये इश्यू, तो शैल वी सॉल्व इट, नहीं करने तो नहीं बोले थे, मैंने बोला था कि हम ये डिस्कस करेंगे या फिर तुम कोशिश कर सकते हो इफ यू वांट, क्योंकि मैंने मेरे वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी किए थे, इफ यू रिमेम्बर किए थे ना, नहीं नहीं मैंने तो रेजिस्टिविटी के कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए इस वीडियो में, सुपर्ब, तो आज हम लोग करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे हम लोग, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, मेरा गला सूख रहा है, क्या मैं पानी पी लूँ थोड़ा, थैंक यू मुझे परमिशन देने के लिए, आप भी पी लो, आप लोग का भी गला सूख रहा होगा मेरा लेक्चर सुन के, आपके कानों में पानी डाल दो, थोड़ा कान सूख गए होंगे आपके, थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा योगा वोगा कर लो उठ के, अगर नींद आ रही है तो।
Welcome back, everyone. Come on. Sir? Yes, please. Sir, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी बहुत लो है, 2% है, तो वो दिखा रहा है कैमरा कांट भी टर्न ऑन और बैटरी जीरो. ठीक है, कोई बात नहीं, चार्जिंग पे रख दो ना कैमरा मोबाइल. ओके, तो आई वॉज गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स, लेट्स डू इट. तुम सबके पास ये बुक है क्या, एस चांद? वेरी गुड. उसको no, किसके पास नहीं है? सर सिद्धि. क्यों सिद्धि? सर एक्चुअली माय सोसाइटी वाज अंडर कंटेनमेंट जोन, सो आई ओह माय गॉड, या आई कैन नेबर्स आर पॉजिटिव. ओह या, इट्स वेरी सैड नाउ. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि बच्चों को भी बहुत हो रहा है कोरोना. ओके गाइस, चलो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 meters एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अच्छा, लेंथ यहां पे लिख देता हूं. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, आर क्वेश्चन मार्क है. मैं कर रहा हूं ये वाला 15th का बी और 16th का बी भी करूंगा. मैं दो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, सॉरी वो बहुत इजी है, उससे डिफिकल्ट वाला कर रहा हूं मैं यहां पे. अच्छा 14 भी करूं, चलो करता हूं. चलो, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, वी हैव जस्ट 9 minutes लेफ्ट, बट आई ट्राई टू डू. चलो करता हूं वो भी. 14th B. A wire is 1 meter long, length दी है 1 meter, 0.2 mm in diameter, diameter दिया है 0.2 mm, इसका मतलब है radius हो जाएगी 0.1 mm. याद रखना radius को meter में convert करना है तुम्हें. किस में convert करना है? Meter में. तो millimeter to meter कैसे convert करते हैं? डिवाइड बाय 1000, मतलब 0.1 इंटू 10^-3, ठीक है, इंटू 10^-3 मीटर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10^-3 ना, 1 इंटू 10^-4 या फिर जस्ट 10^-4 मीटर. ये है तुम्हारी रेडियस. प्लीज नोट कर लो इसको कैसे किया है मैंने. ओके, सो रेडियस इज 10^-4 मीटर और रेजिस्टेंस है इसका 10 ओम. कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना है तुम्हें. लेट्स सी हाउ टू डू दिस वन. ओके, सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है आर ए बाय एल, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन द लेंथ. ठीक है, आर कितना है 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्योंकि ये सर्कुलर वायर है और लेंथ है 1 meter. ठीक है, सो 10 इंटू ये जो पाई है इसको हम लोग ले लेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है 10^-4 का स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 3.14 इंटू 10^-8, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ठीक है, ये 10 इंटू 10^-8 हो जाएगा 10^-7 इंटू 3.14, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.14 टाइम्स 10 टू द पावर -7 ओम मीटर. ठीक है, ये इसका आंसर है. इसमें थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेशन ज़्यादा है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है.
यस सर आप ये वीडियो यूट्यूब पे डालोगे? यस मैं डालूंगा, मैंने कल का भी डाला था वीडियो, बट उसमें प्रॉब्लम है, उसमें एको है बहुत, क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ इश्यू था, मैंने आज वो रिजॉल्व कर दिया है, तो कल का भी वीडियो है लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा है क्लियरली, बहुत ही एको आ रहा है पीछे। आज तो क्लियर है, आज मैंने चेक किया है, तो आज का भी डालूंगा मैं, रोज़ डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? इंटरनेट, कोरोना और महाराष्ट्र सरकार, ये तीनों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी लॉकडाउन आ सकता है, कभी भी कोई मर सकता है, या कभी भी किसी का लेक्चर स्किप हो सकता है। इसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और ये वीडियो मैं डालता ही हूँ, ताकि लोग बाद में भी देख सके कुछ मिस हो गया है तो, ठीक है? सिर्फ कल के लिए जो टेक्निकल ग्लिचेस था उसके लिए मुझे बहुत खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, लेकिन ये वीडियो इंटरनेट पे जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया, ये कैसे सॉल्व किया मैंने? सीधा फॉर्मूला डाला है मैंने, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, बट याद रखना यूनिट्स को चेंज करना ज़रूरी है। रेडियस मिलीमीटर है तो उसको मीटर में लाओ, फिर एरिया में पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला डाल के सॉल्व करो। मृण्मयी डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड, डाल सकते हो, बट फालतू का वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर कुछ कट हो रहा है तो डाल सकते हो, जनरली कट नहीं होता है, ट्राई कर सकते हो तुम 22/7 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फाइनल आंसर तुम्हें पॉइंट में ही चाहिए, इसलिए मैं 3.14 प्रेफर करता हूँ। 15th का बी, ठीक है? 15th का बी क्या है? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 meters? लेंथ है 2 meters, रेजिस्टेंस पूछा है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दिया हुआ है डायरेक्टली, 1.55 टाइम्स 10^-6 मीटर स्क्वेयर। इफ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी दी है, 2.8 टाइम्स 10^-8 ओम मीटर, रेजिस्टिविटी भी दी है, राइट? तुम्हें ढूंढना है रेजिस्टेंस। ओके, फॉर्मूला वही रहेगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, प्लीज नोट कर लो सब लोग, रो की जगह आ जाएगा 2.8 टाइम्स 10^-8, ठीक है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस नहीं पता अपने को, एरिया है 1.55 टाइम्स 10^-6 और लेंथ है 2.8, एक मिनट, लेंथ है 2 meters, आई एम सॉरी, ठीक है, 2 meters, 2 ही लिखता हूँ सिर्फ। सो आई हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2 × 2.8 टाइम्स 10^-8 अपॉन 1.55 टाइम्स 10^-6 और ये हो जाएगा तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। इसको तुम एक काम कर सकते हो, यू कैन रिमूव द डेसिमल प्लेसेस, सो यू कैन राइट इट एज 2 × 28 अपॉन 155 टाइम्स, देखो यहाँ से एक डेसिमल पॉइंट प्लेस मैंने मूव किया राइट साइड में, तो यहाँ पे एक नंबर माइनस हो जाएगा, मतलब −8 −1, मतलब 10^-9 हो जाएगा ये, और यहाँ पे दो नंबर मैंने शिफ्ट किए टू द राइट, तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, −6 −2, ये हो जाएगा −8, ठीक है? अब सिर्फ तुम्हें क्या करना है, अच्छा ये रेजिस्टेंस है, सो अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 56 अपॉन 155 टाइम्स, ये हो जाएगा 10^-9 इंटू 10^8, ये −8 ऊपर चला जाएगा 10^-8 और प्लस बन जाएगा, सो ये हो जाएगा 56/155 टाइम्स 10^-1, ठीक है? सो ये इसका आंसर मुझे लगता है कि आना चाहिए, देखो 50/150 होता है 1/3, मतलब 0.3, मतलब ये 0.3 इंटू 10^-1 या फिर 0.03 अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए ओम,
0.03 ओम होना चाहिए इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मेरा आंसर है, ज़रूरी नहीं है कि फाइनल आंसर, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैंने अप्रोक्सीमेशन से किया है, आई डिड नॉट डिवाइड। ठीक है, बट मेथड एब्सोल्युटली यही रहेगा सेम। सबने लिख लिया ये? अच्छा लिखो। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच आई एम डूइंग बिकॉज टाइम अप हो चुका है। आज अपना मैथ्स हुआ ही नहीं, तो याद रखो एक क्लास, आने वाले क्लास में हम लोग मैथ्स करेंगे। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो गिव प्लानिंग टू गिव यू। यस सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। नहीं सर, मैं 10 की पावर मेरी 5 आ रही है, माइनस 5। एक मिनट मैं तुम्हें बताता हूँ सेम कैसे आएगा। 2 इंटू 2.8 और 1.55 को अलग रखो। ठीक है, 10 रेज टू माइनस 8 टाइम्स 10 रेज टू 6 कर दो, तो ये हो जाएगा 5.6 अपॉन 1.55, और यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डेसिमल प्लेस दोनों साइड शिफ्ट कर दो, तो ये तो हो जाएगा 56 अपॉन 15.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, और अब अगर नीचे से मैंने एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया तो मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे इंटू 10 अपॉन 10 करना पड़ेगा। इसका मतलब है ऊपर ऐसा आएगा 56 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 अपॉन, नीचे आएगा 155, तो वही तो आया 56 अपॉन 155 इंटू 10 रेज टू माइनस 1। देखो सेम है, इट्स द सेम थिंग, नो मैटर हाउ यू डू इट, इफ योर कैलकुलेशन इज करेक्ट आंसर विल कम। ठीक है, सो दीज आर द वेज हाउ यू डू इट। मिनट में ही समझ में आया तुमको? और भी क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी, ऐसा मत समझो कि सिर्फ इतना ही करना है। इसके ऊपर ये जो तीन टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं ना, दैट इज योर कल का ए और बी और आज का ये सी टॉपिक, ये सारे टॉपिक के ऊपर एक होमवर्क मैं तुम्हें देने वाला हूँ आज, और इसका जो डाउट सॉल्विंग होगा वो होगा संडे को। ठीक है, और संडे को मुझे तुम्हें मैथ्स का चैप्टर भी कंप्लीट करवाना है, तो संडे विल बी अ लॉन्ग क्लास फॉर ऑल ऑफ अस। ओके,